वेल इस लेक्चर के अंदर हम कुछ एरर्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन प्रोनाउन। लेट्स बिगिन आर जर्नी। लाइक ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। यहाँ पे इट बुक्स को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बुक्स नाउन है, इट प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर बन गया। नॉट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन नाउन और प्रोनाउन का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। नाउन क्या है? प्लूरल है। प्रोनाउन क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पे देम आना चाहिए। सिविल सर्वेंट शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। एक्विट हमने पढ़ा था कि एक्विट के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते होते हैं। एक्विट हमने एक पॉइंट पढ़ा था, लेट मी रिमेम्बर रिमाइंड यू। हमने पढ़ा था एक्विट एब्सेंट अवेल रिकनसाइल रिम्यूज रीजाइन अवेंज रिवेंज एंजॉय एक्सेंड अप्लाई। इन सब वर्ड्स के बाद क्या लगता है? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट मस्ट बी मिसिंग। ऑब्जेक्ट मस्ट बी एब्सेंट, तभी ही लगता होता है, वरना नहीं लगता। और हमने ये पढ़ा था कि कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई मूव रेस्ट हाइड, इन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता होता। एक हमने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक हमने ये पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। माई अदर ऑलवेज एडवाइसेज मी दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड डे। कीप के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता होता, ये एरर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट अलाउड। अवेल एवरी वन एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन लॉन्ग वे। नो एरर, देर शुड नॉट बी एनी एरर इन दिस सेंटेंस, क्योंकि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। देर शुड नॉट बी एनी एरर। देर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी योर फादर एंड शी। शी नहीं आएगा, हर। ऑब्जेक्टिव पैटर्न हमने पढ़ा था LLBB, LLBB, लाइक लेट बिटवीन बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस चलता होता है। इट वॉज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट डोर। और हर यहां पर कुछ मिसिंग है, और शी होना चाहिए। हर नहीं आएगा, शी आएगा। लेट रोहित एंड शी, शी नहीं आएगा, हर आएगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव पैटर्न चलता होता है। वॉज इट हिम हु गेव, यहां पे हु इंडिकेट कर रहे काम करने वाले को। काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट, इसलिए यहां पे पीछे ही आएगा, ना कि हिम आएगा। ही एंड माई सेल्फ अलोन विल कंप्लीट। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट भी नहीं होते, ऑब्जेक्ट भी नहीं होते। यहां पर क्या हो रहा है कि माई सेल्फ काम करने वाला बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ये गलत है, एरर है। यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। हमने पढ़ा था जब भी कोई पॉजिटिव बात हो तो सेकंड पर्सन पहले आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। तो यू आई एंड ही नहीं होगा, यू ही एंड आई होगा। इट वॉज विद द ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ ब्रदर्स कुड गेट हिज आएगा। हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद मैस्कुलिन जेंडर बनता होता है, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर बनता होता है, यानी कि हिज लगेगा। ये एरर है।
They that hanker after fame and money are likely to be disappointed. यहाँ पे who आएगा, they who hanker. हमने भी that को discuss करना है, that हम discuss करेंगे detail के अंदर. यहां पर हम देखें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है. जब भी हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन हो तो सेकंड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन लगता होता है. तो यू सेकंड पर्सन है, योर ब्रदर थर्ड पर्सन है, तो यहां पर देयर नहीं योर बनेगा. हमने एक टेबल पढ़ा था, लेट मी रिमाइंड यू, हमने ये टेबल पढ़ा था कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जब हो जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होगा तो सेकंड पर्सन प्लूरल होगा, सेकंड पर्सन होगा और फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा. हमने ये बात पढ़ी थी अपने लेक्चर के अंदर. अब इसी रूल के बेस पर यहां पर यू है, साथ में योर ब्रदर है, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आगे योर बनेगा. बोथ ही के बाद एज वेल एज कभी नहीं होता होता, एंड आता होता है. हमने कंजंक्शन में पढ़ा था, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवल्स दैट हैव बीन, दैट हैज बीन होना चाहिए, इट हैज टू बी दैट हैज बीन पब्लिश्ड. ओके, मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी बिकॉज दैट इज येट टू बी डिस्कस्ड, दैट वर्ड डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं. नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गॉट हिज आएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद मैस्कुलिन जेंडर लगता होता है, यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू. अभी ये क्या बन गया, सेकंड प्लस फर्स्ट पर्सन बन गया, तो योर ड्यूटी नहीं होगा, आर ड्यूटी होगा. हु इज मोर इंटेलिजेंट, यू और ही. जब भी हमें चॉइस करना हो तो हु नहीं लगता होता, हमने पढ़ा था विच लगता होता है. तो विच इज मोर इंटेलिजेंट, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अलाउड टू कीप हिज आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद मैस्कुलिन जेंडर आता होता है. आर कंट्री आर्स, आर्स इज कंट्री होगा ना कि आर्स, नहीं आर्स होगा. आर्स इज कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियन. वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज वंस ड्यूटी होगा. अगर बिगनिंग वंस से हो रही है तो आगे वंस ही आएगा. एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज हिज वर्क आएगा. आई डो नॉट लाइक विच टोल्ड, हु टोल्ड योर फादर आएगा, विच टोल्ड नहीं आएगा, क्योंकि विच तो नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए काम आता है. वॉट इज इट विच मेक्स लाइफ हैप्पी, यहां पर दैट आएगा. वी दैट में डिस्कस कर रहे, दिस इज इट वी डिस्कस्ड. दिस इज नॉट माई हाउस, इट इज हर्स होगा. शी वॉज प्लेइंग विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय हर फादर. विच का काम तो नॉन वर्बल और एनिमल्स के लिए होता है, तो यहां पे दैट बनना चाहिए. अभी दैट डिस्कस करेंगे हम. शी टॉट मी एंड विच आई एडमायर मोस्ट इवन टूडे. ये भी चेक करते हैं क्या इसके अंदर. आई गेव हिम अ पेन बट ही हैजंट रिटर्न्ड द सेम. यहां पर सेम वर्ड पेन के लिए इंडिकेट हो रहा है, सेम वर्ड प्रोनाउन को इंडिकेट नहीं कर सकता, ये एरर है. विच वी सो सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन. यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो सिर्फ व्हाट ही ऐसा प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट नहीं हो सकता. द स्लेव हिड हिमसेल्फ इन अ केव. हिड के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता होता, इसलिए हिड आएगा. क्वालिफाइड हरसेल्फ नहीं होता होता, सीधा क्वालिफाइड होता है. He will not object me going there, नहीं होगा my going there होगा, मेरा वहां जाना. Who
हु इज वाइजर, राम और श्याम, हु चॉइस के लिए नहीं आता होता, विच चॉइस के लिए आता होता है। इधर रीटा और फ्रेंड्स है लॉस्ट हर वे, और के आगे हर फ्रेंड्स है इसलिए हर नहीं आएगा, देर वे आएगा। ही इज अ गुड प्लेंटेड इजेंट ही आएगा, क्वेश्चन टैग कह रहे हमने पढ़ा था ही। Now we will talk about that. That के पीछे सिंगुलर भी लग सकता है, प्लूरल भी लग सकता है। That के पीछे लिविंग भी लग सकते हैं, नॉन लिविंग भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है that. अब कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो बड़ा फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर देखते हैं हमारे को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सेंटेंस में सुपर लेटिव डिग्री आ जाए, इसके बाद कभी भी हु या विच नहीं लगता होता, दैट लगता होता। ये फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे सेंटेंस की बिगनिंग, ये बिगनिंग के अंदर हु आ जाए या विच आ जाए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, मीन्स क्वेश्चन मार्क बन रहा हो हमारे सेंटेंस के अंदर, तो इनके बाद दैट लगता होता है। अगर हमारे सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो दैट नहीं लगता होता, हम उस एपोस्ट्रोफी एस को ऑफ में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट इज इट दैट यू कैनॉट सॉल्व, बिगनिंग व्हाट से आगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन से आगे, इसके आगे दैट लगेगा। हु एम आई दैट मीन्स, अगर बिगनिंग में इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए तो यहां पर मैंने विच लिख दिया, यहां पे हु एंड व्हाट, व्हाट है के बाद दैट लगेगा, हु एंड व्हाट। तो आगे दैट लगेगा। Check this sentence. These are the chairman instructions. Chairman's instruction आ गया, आगे that लग गया। That के पीछे apostrophe s लगना error है। This is wrong. I went to Sirla house. Who is my class fellow? ये भी एक relative pronoun है, चाहे that हो चाहे ये who, इनके पीछे apostrophe s नहीं लगता होता। इनके करेक्ट वर्जन्स क्या है? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चेयरमैन, ना कि चेयरमैन इंस्ट्रक्शन। दैट मस्ट बी फॉलो। आई वेंट टू हाउस ऑफ सरला हु, तुमने देखा कि दैट हो या हु, तो इनके पहले एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता होता। ये चेक करते हैं, ही इज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड। सुपर डिग्री आ गया तो आगे हु या बिच नहीं लगेगा, दैट लगेगा। हु नहीं लगता होता, बिच नहीं लगता होता। पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट मैन दैट लिव्ड, दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड। ग्रेटेस्ट मैन सुपर डिग्री है, आगे दैट लग गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि दैट के पहले प्रेपोजिशन नहीं आता होता, इन ऑन नहीं आता होता, दैट के बाद आता होता है, इन ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। We know the hotel that she lives in. That के पहले इन नहीं लगा। We know the hotel in which हो गया तो। I understand the point that you are hinting at, helping the prepositions बाद में आ रहे हैं that के। तो ये हमने that को discuss किया। तो हमने that के ऊपर ये points पढ़े। पहला point पढ़ा super degree के बाद that आएगा। That के पहले apostrophe नहीं आता होता। Off आएगा। दैट के पहले इन या प्रेपोजिशन नहीं आएगा, दैट के बाद में आएगा प्रेपोजिशन। हु या विच के बाद दैट आता है। अगर बिगिनिंग में इंटरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है आपका, हु या विच आ रहा है, तो इसके बाद आप दैट का एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं।
Let's practice some more errors on pronouns. Let you and me hoga. Let ke baad objective pattern chalta hota hai. Okay. There is close between he and me hoga. You, he and I have done their positive sentence. So ye correct hai. No correction is required. This is no error. Has done our job aayega. Their job nahi. Sorry. यहाँ पे आर जॉब आए क्योंकि लास्ट में फर्स्ट पर्सन आ रहा है. जब भी फर्स्ट पर्सन लास्ट में आ रहा हो तो हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन प्लूरल बनता होता है. यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क. सेकंड प्लस थर्ड पर्सन होगा तो सेकंड पर्सन प्लूरल आएगा तो हिज नहीं आएगा, योर वर्क आएगा. ही एंड आई थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन है, आर आएगा. आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन. पॉजिटिव बात है तो यू ही एंड आई बनेगा. आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स. पॉजिटिव बात है तो यू पहले आएगा. यू एंड आई आर स्ट्रेंजर्स. क्योंकि ये नेगेटिव बात है इसलिए आई पहले आएगा. आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ही एंड आई वर द मेन अक्यूज्ड. नेगेटिव बात है इसलिए आई पहले आएगा. You, he and I must beg sorry for the misconception. नेगेटिव बात है इसलिए I, he and you यहाँ पे एरर है. Neither of the four vehicles, neither दो के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे चार है इसलिए नन लगेगा यहाँ पर. Any of the two girls, any दो से ज्यादा के लिए होता है, यहाँ पे either लगेगा. दो के लिए either is the right word. One के साथ once लगना होता है. His किएगा वन जाएगा. वन शुड टेक हिमसेल्फ ऑब्नॉक्शियस टू अदर्स. नन और टू गर्ल्स. टू गर्ल्स के लिए नन नीदर आएगा. So this is how we got to practice errors. Practice more and more errors by yourself. And this was all about pronouns we read. Thank you.